डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप 8th क्लास से क्रॉस हो चुके हो, अगर 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो या 11th या 12th में भी पढ़ रहे हो, तो एक बार आपको अपने मैथमेटिक्स को किस तरह से आपको स्टडी करना चाहिए, इसमें आपको यही बताया जा रहा है इस वीडियो में कि मैथ्स को स्टडी करने के लिए सिस्टम क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसको किस एक कुछ जो रूल्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। आपने अभी तक, अगर आप 9th या 10th में पढ़ रहे हो, तो अभी तक आपने सिर्फ सॉल्यूशन ही किए हैं कि जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 आया, 1 को पढ़ लिया, 2 आया एक्सरसाइज तो 2 को पढ़ लिया। तो देखो, आपको मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब एक तरह से सिस्टम आपको मिल जाएगा कि मैथ्स को स्टडी किसी भी क्लास का स्टूडेंट पढ़ता है, या यहाँ तक कि आप कोई कंपटीशन के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हो, जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं कोई भी, तो उनको भी हमेशा स्टडी करने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उस सब्जेक्ट का फॉर्मेट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसको किस पैटर्न में पढ़नी है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर बड़ी क्लासों के लिए फॉर्मेट थोड़ा एडवांस रहता है, बट अभी जो आप 9th 10th स्टैंडर्ड के हो और जो आगे जाके कोई बड़ा एग्जाम देना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप 12th के बाद में IIT करना चाहते हो या और भी कोई जो कंपटीशन एग्जाम है जो मैथ्स से रिलेटेड है, लगभग मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट हर कंपटीशन में होती है, तो आपको इस वीडियो में यही बताया जा रहा है कि आपको मैथ्स को कहाँ से स्टार्ट करनी है और किस ऑर्डर में पढ़नी है। तो अपन शुरू करते हैं। देखो कि अपन पढ़ना चाहते हैं कि मैथ्स को अपन पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स का स्टडी कर रहे हैं। अब मैथ्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास में जो सिस्टम रहता है, क्वांटिटी की हेल्प से मैथ्स को पढ़ा जाता है। मैथ्स के लिए सबसे पहला ये आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स को कहां से शुरू करनी है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को आप 2 पार्टीशन दे दीजिए, बिकॉज आप 9th 10th लेवल में हो, तो अभी इसके जो पार्टीशन वगैरह है उनको इनिशियली आपको ध्यान में जरूर रखना है कि मैथ्स के अंदर किस तरह से पार्टीशन क्वांटिटी को किया गया है। तो मैथ्स के अंदर क्वांटिटी को 2 पार्टीशन दिए हुए हैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। वेरिएबल जनरली आपने देखा कि आप 8th या 7th क्लास में, किसी भी क्लास में पढ़ते हो या 9th में पढ़ते हो, तो कुछ एल्जेब्रिक वैल्यूज भी आते हैं, दैट मीन्स जो अल्फाबेटिक्स के अंदर लिखे हुए रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड का यूज होता है, और कुछ नंबर्स भी होते हैं, तो उनका सेंस क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या बनेगा। वेरिएबल जिनको आप किसी अल्फाबेट के लेटर से बताते हो, जैसे जनरली एक्स वाई जेड ETC, इनसे बताया जाता है, यू या वी, इस तरह से कोई भी सिंपल रहता है। कॉन्स्टेंट के अंदर कुछ डिजिट काम में लिए जाते हैं, जैसे 1, 4, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव एनी इंटीजर, नेगेटिव भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। तो इस तरह से वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है एंड व्हाट आर कॉन्स्टेंट। अब सुविधा के लिए, इसको स्टडी करने के लिए वेरिएबल के भी 2 पार्टीशन किए हुए हैं। तो वेरिएबल के 2 पार्टीशन कौन से हैं, डिपेंड एंड इंडिपेंड वेरिएबल। इसी तरह से कॉन्स्टेंट के भी 2 पार्टीशन हैं, आर्बिट्री एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल दैट मीन एब्सोल्युटली। यूनिवर्सल एंड एब्सोल्युटली में डिवाइड किया हुआ है। अब ये डिपेंड और इंडिपेंड क्या होता है, तो डिपेंड इंडिपेंड हालांकि 11th 12th स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन किया जाता है, बट आपको 9th 10th में भी ध्यान रखना चाहिए कि डिपेंड वेरिएबल के लिए कौन से सिंबल होते हैं और इंडिपेंड के लिए कौन से होते हैं। हालांकि इनको किसी को भी आप डिपेंड या इंडिपेंड रेंडमली बना सकते हो, बट जो मैथ्स के जो बुक आते हैं उसमें डिपेंड के लिए कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स है और इंडिपेंड के लिए भी पर्टिकुलर सिंबल्स है। इंडिपेंड के अंदर जनरली जैसे एक्स को लिया जाता है और डिपेंड के अंदर वाई को लिया जाता है, बिकॉज जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो जनरली आपको, जैसे आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आपकी जो इक्वेशन होती है, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 1,
दैट मीन्स इस इक्वेशन के अंदर जो राइट हैंड साइड में x है, x का जैसा वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू भी आता है. दैट मीन्स y का वैल्यू डिपेंड करता है वैल्यू x वेरिएबल के ऊपर. यस, यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y इक्वल टू 2x प्लस 1. अब यहां पे अपन जैसे x इक्वल टू जैसे आपने 0 रखा तो y का वैल्यू आपको एक y का वैल्यू मिलता है 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स आपका जब वैल्यू x का वैल्यू 0 था तो y आपको 1 मिला. अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं. अपन x का वैल्यू चेंज करते हैं. लेट x इज इक्वल टू जैसे 5 ले लिया, रैंडमली कितना भी ले सकते हैं. x इज इक्वल टू 5. तो अब देखो आपकी इक्वेशन तो वो की वही अपन काम में ले रहे हैं. तो इसी इक्वेशन से y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई 5 आपको 10 दे देगा एंड प्लस 1. देन y इज इक्वल टू 11. तो अब आपके पास में y का वैल्यू 11 आ गया. तो आप यहां पे देख रहे हो कि जैसे जैसे x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 1 था, x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू 11 था. तो जनरली बड़ी क्लासों में ये इस रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है कि x है वो अपना रेंडमली कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है. दैट मीन्स उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू आता है. तो इस सिचुएशन के अंदर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y है वो डिपेंड हो गया. बिकॉज y की जो वैल्यूज है वो x पर डिपेंड है. जैसा आप x का वैल्यू इस इक्वेशन में आप रखेंगे वैसा उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू आएगा. तो इसलिए यहां पे मैंने बताया था आपको कि जैसे डिपेंड और इनडिपेंड. तो इस तरह से जैसे यहां पे y और x की इक्वेशन थी तो y और x का इस तरह से, जिसको बड़ी क्लासों में y जो फंक्शन ऑफ x बोला जाता है और इसका सेंस ये रहता है, इसको इस तरह से बताया जाता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x. दैट मींस y के जो वैल्यूज है वो x पे डिपेंड करते हैं. अगर y x का फंक्शन है तो x आपका क्या हो गया, इंडिपेंड वेरिएबल. ये कौन सा वेरिएबल हो गया आपका, इंडिपेंड, और y कौन सा हो गया आपका, डिपेंड वेरिएबल. तो इस तरह से वेरिएबल के अंदर x, y, z, u, v, w, r, s, t, इस तरह से स्मॉल लेटर्स जो यूज किए जाते हैं वो सब आपके लिए वेरिएबल्स होते हैं. अब अपन आते हैं, वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया. अब उसमें डिपेंड और इनडिपेंड क्या रहेंगे, तो आपको मैंने दो एग्जांपल से बता दिया. और जनरली बड़ी क्लासे है, अगर 11th या 12th में पढ़ रहा है तो उसको उस समय इसी इक्वेशन को y इज अ फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में पढ़ा जाता है, जिसमें x स्वतंत्र होता है, अपना कुछ भी वैल्यू ले सकता है, रियल भी ले सकता है. अगर रियल फंक्शन है तो रियल वैल्यू तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स भी ले सकता है, इमेजिनरी वैल्यूज भी ले सकता है. और जैसा y का x का वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू आता है. अब आते हैं अपन कॉन्स्टेंट के ऊपर, आर्बिट्री एंड यूनिवर्सल. तो देखो ये है दोनों कॉन्स्टेंट, बट इनमें भी थोड़ा फर्क है. यूनिवर्सल इसके नेम से पता है, जिनको एब्सोल्युटली कॉन्स्टेंट कहते हैं. तो जो पूरे आप ये मान सकते हो कि जिनका वैल्यू आपके लिए कहीं पे भी चेंज नहीं होता है. और आर्बिट्री ये भी अल्फाबेट के लेटर से बताया जाता है, बट जनरली आप छोटी क्लास में हो जैसे 9th या 10th में, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन कोएफिशिएंट को, इनको एज ए कोएफिशिएंट काम में लिया जाता है. जैसे आपके एग्जांपल में एक बताता हूं, आप कई बार इक्वेशन को लिखते हैं, चाहे लीनियर लिखते हैं, छोटे छोटे इक्वेशन आपने 7th 8th में देखे होंगे, तो इस तरह से वैल्यू देखा होगा, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. यहां पे मैंने एक ही टर्म्स लिखी है,
तो इसमें ये जो एक्स और वाई तो अभी मैंने बताया डिपेंड और इनडिपेंड के अकॉर्डिंग एक्स और वाई को तो अपन ने किसमें एक्सप्लेन किया है, वेरिएबल्स में एक्सप्लेन किया है, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, बट इनका जो ये कोफिशियंट वाला पार्ट है यहाँ पे ये बी वैल्यू है ये आपकी आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये कौन से कांस्टेंट है? आर्बिट्री कांस्टेंट इनको कहते हैं। ये जनरली कोफिशियंट की फॉर्म में आते हैं। ये भी क्या है आपका? आर्बिट्री कांस्टेंट में माना जाएगा। ये भी क्या है आपका? आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इस तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट कौन से हैं जिनको अल्फाबेट से ही बताया जाता है, इसके लिए कुछ आप लिख सकते हो जिसमें कोफिशियंट में जनरली ए बी सी का यूज होता है। इस तरह से और भी कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं यूनिवर्सल या एब्सोल्युटली, जितने भी नंबर्स है पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे भी हो, जैसे 0 1 ये सब इसके अंदर जाएंगे, जिनका यूनिवर्सल वैल्यू फैक्ट रहता है सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। 0 1 3 पाई, पाई का वैल्यू आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7 है और डेसिमल फॉर्म में आपके पास 3.14 है। यस, अब इस पाई के बारे में आपको और बता देता हूं। डेसिमल फॉर्म में इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, दैट मीन्स ये एक प्रकार से पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू 22/7 आपने पढ़ा होगा, आर्यभट्ट ने फाइंड किया था। और जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होता है उसके साथ में आपके पास में एक और फैक्ट ऐड किया, वो मैं आपको बता देता हूँ एक नॉलेज के लिए, कि जैसे इसका वैल्यू 3.14 है तो यहाँ पे एक आप जीके के लिए भी आप ध्यान में रख सकते हो, वर्ल्ड पाई डे। जैसे आप योगा दिवस मनाते हो या और भी कोई, जैसे मदर्स डे या फादर डे वगैरह आप मनाते हो, तो वर्ल्ड पाई डे कब मनाया जाता है? व्हेन विल द पाई वर्ल्ड पाई डे सेलिब्रेटेड? तो इसके लिए इसका जो दिन फिक्स किया हुआ है वो इसके वैल्यू से ही किया हुआ है। दैट मींस ये 3 तो मंथ को रिप्रेजेंट करता है और 14 डेट को। दैट मींस इसका आप लर्न रख याद रख सकते हैं 14th मार्च। आपको पता है मार्च कौन सा मंथ होता है? थर्ड मंथ ऑफ द ईयर होता है। दैट मीन्स इसका वैल्यू जो 3.14 है वो 14 मार्च को इस रीजन से वर्ल्ड पाई डे मनाया जाता है। पहले वर्ल्ड पाई डे 22 जुलाई को मनाया जाता था, फिर इनके कमेटी ने अभी 3.14 के अकॉर्डिंग 14 मार्च कर दिया है। तो देखो ये ऐसे छोटे मोटे चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपके और कहीं पे भी काम में आए और आप मैथ्स पढ़ने का आपको एक पूरा एंजॉयबल तरीका मिले, कि मैथ्स के अंदर भी काफी चीजें होती है। और मैथ्स को लिए मैं आपको एक बता देता हूं, आप जनरली क्या करते हो? क्वेश्चन को क्लासिफाई करते हो। आप देखो आप आपकी हैबिट होती है, हर स्टूडेंट की हैबिट होती है, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन को वो डिफिकल्ट मानता है, किसी को वो इजी मानता है। जबकि आप आपके माइंड में एक बात हमेशा ध्यान रहे, मैथ्स में ना तो कुछ डिफिकल्ट होता है ना कुछ ईजी होता है। जो आपको समझ में आ रहा है वो आपको ईजी लगता जाएगा, बिकॉज जो समझ में आ रहा है उसकी आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे वो इजी लगेगा। जो आप एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है आपसे, जो समझ में नहीं आ रहा है वो आपको डिफिकल्ट लगेगा और आप उसकी प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे तो वो और ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मैथ्स में इजी और डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है। पूरा मैथमेटिक्स एक ऑर्डर में चलता है, एक फॉर्मेट में चलता है, उस फॉर्मेट को आप फॉलो करिए। आप मैथ्स के अंदर किसी भी एग्जाम में आपको कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी, आप हमेशा मैथ्स के अंदर अच्छी रैंक लेके आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। यस, अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपन क्वांटिटी पढ़ रहे थे वेरिएबल एंड कांस्टेंट के अंदर, अपन ने इसको डिवाइड करके एक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं
इसके आगे क्या होता है? अब इसके आगे अपन आपको मैं बता रहा हूं, वहां से आपको थोड़ा थोड़ा आपके बुक से, ये भी आपका बुक रिलेटेड है बट आपने कभी काम में नहीं लिया है कि इसका सिस्टम क्या है। अब यहां से अपन देखते हैं एलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। What is the difference between algebraic term and polynomial? Algebraic term किसको कहते हैं और polynomial किसको कहते हैं? तो इसके बारे में आपको मैं पूरा completely explain कर रहा हूं with example यहां पे, जिसको आपको समझना है बहुत simple, but इसको समझ के चलिए। Algebraic terms और polynomial एक जैसे दिखते हैं but होते नहीं। तो देखो algebraic terms के लिए तो ये है, आपको मैंने बताया था कि जो quantity होती है वो वेरिएबल एंड वेरिएबल के साथ अगर आप कुछ इंक्लूड करते हो कांस्टेंट, जनरली आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उनसे जो टर्म बनता है वो एलजेब्रिक टर्म कहलाता है। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि आपने एक्स स्क्वायर लिया, तो ये कौन सा पार्ट है, ये वेरिएबल का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है वेरिएबल का। अब एक्स स्क्वायर के साथ में मैंने अटैच कर दिया कि जैसे 5/7x2, ये जो है ये कांस्टेंट का पार्ट है, ये कहां से है कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कहलाता है बिकॉज इसका जो मल्टीप्लायर होता है देज आर कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट का पार्ट है और ये पार्ट आपका कौन सा है वेरिएबल का, दोनों अटैच हो गए। That means इन दोनों को वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से जो अटैच किए जाते हैं वो सब क्या है एलजेब्रिक टर्म है। अब जैसे मैंने लिखा 1/(x-7x³+√x), अब यहां पे देखो ये 1 डिनोमिनेटर में x आ गया, यहां पे x क्यूब आ गया, यहां पे रूट एक्स आ गया, तो ये भी क्या है कुछ इसमें एलजेब्रिक और कुछ कुछ अपने वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट का यूज हो रहा है। जैसे -7 कांस्टेंट है, ये 1 कांस्टेंट है, यहां पे आप ये मान सकते हो कि इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो कांस्टेंट है, तो दैट मींस ये भी क्या है आपकी एलजेब्रिक टर्म है। अब आते हैं अपन पॉलिनोमियल के ऊपर। पॉलिनोमियल और एलजेब्रिक टर्म्स में क्या फर्क है? पॉलिनोमियल ऑल्सो एलजेब्रिक टर्म बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है, आपको एक्स्ट्रा लर्न रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। पॉलिनोमियल ऑल्सो एलजेब्रिक टर्म या कलेक्शन ऑफ एलजेब्रिक टर्म कह सकते हैं, ये भी एलजेब्रिक टर्म से ही बने हुए होते हैं बट इसके अंदर पावर, आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में होती है। दैट मींस जो एलजेब्रिक टर्म है उनकी जो पावर है, देखो यहां पे ये पावर कितनी 2 थी, यहां पे ये पॉजिटिव 3 है, यहां पे 1/(x) है, ये देखो यहां पे भी ध्यान रखना है आपको 1/(x) लिखा हुआ है। एक्चुअल में इसको जब न्यूमरेटर में लिखते हैं तो ये x^-1 होता है, दैट मींस यहां की पावर कैसी है आपके पास नेगेटिव है। बट पॉलिनोमियल होने के लिए ये कंडीशन है कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, आपके पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर युक्त जितने भी एलजेब्रिक वैल्यूज होंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, प्लस या माइनस से बहुत सारे टर्म का कलेक्शन होगा तो वो सब पॉलिनोमियल कहलाएंगे। दैट मींस यहां पे क्या क्या हो गया,
पॉजिटिव इंटीजर एक तो ये याद रखना है, और थोड़ा इसको पॉजिटिव इंटीजर का सेंस ये है कि आप इसके दो पॉइंट और याद रखिए ताकि आप कभी मिस्टेक ना करो। नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर होना मतलब उसमें कैसी पावर नहीं होनी चाहिए, नॉट नेगेटिव मतलब नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, और नॉट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें भी याद रखनी है इसी के साथ। इसमें सब कुछ आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर में, बट ध्यान ये भी रखे ताकि आपके एकदम क्लियर हो जाए कि पॉजिटिव इंटीजर पावर जहां है उनको ही पॉलिनोमियल कहना है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और नॉट फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो इसके और अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें आपको समझना है और क्लासिफाई करना है कि पॉलिनोमियल कौन से हैं और एल्जेब्रिक टर्म्स कौन से हैं। तो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, एग्जांपल्स देखो मैंने यहां पे लिखा जैसे 7x³ - 2x² + 7x + 10। अब इस पूरी टर्म्स को ध्यान से देखिए, वेरिएबल की पावर कह रहा हूं, इसका पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है, वेरिएबल की पावर। यहां पे x पे कितनी पावर है, 3 पावर है, पॉजिटिव है, ये 2 पावर भी पॉजिटिव है। यहां पे x पे कुछ भी पावर नहीं दिख रही है, दैट मीन्स यहां पे 1 पावर है और ये भी कैसी है, पॉजिटिव है। यहां पे जो ये 10 दिख रहा है आपको, ये 10 यहां की कॉन्स्टेंट टर्म है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है 10। 10 को आप इस तरह से मान सकते हैं, देखो प्रत्येक टर्म के साथ में 1 ऑलवेज क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है। तो 10 को आप क्या मान सकते हो, 10 मल्टीप्लाई 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, x⁻⁰। दैट मीन्स जब किसी वेरिएबल के ऊपर या कॉन्स्टेंट के ऊपर 0 पावर रहती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो 0 ऑर्डर का एल्जेब्रिक टर्म्स होता है और 0 ऑर्डर का पॉलिनोमियल आप कह सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, कॉन्स्टेंट भी एक तरह से पॉलिनोमियल में काउंट होता है, बट इसकी ऑर्डर या डिग्री आप कितनी मान सकते हो, 0 मान सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे पॉलिनोमियल के लिए, 5x³ - x⁻⁰। ये जैसे मैंने लिखा, आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, बट यहां पे आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। ये भी पॉजिटिव पावर है और यहां पे भी ये भी कैसी है, पॉजिटिव है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, √7x⁻⁷ - √8/√7⁶। जैसे मैंने ये टर्म्स लिखी, आपको इसके कोफिशिएंट पे नहीं जाना है, इसके साइन वगैरह, सिर्फ इस पावर को टारगेट करनी है। ये पावर कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आपको मिक्स के अंदर पता करना है, और एल्जेब्रिक टर्म के लिए क्या जरूरी है, ध्यान रहे कभी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो वो न्यूमरेटर में जाके उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहां पे जैसे आपने लिखा x³³ + 7, ये एल्जेब्रिक टर्म है, ये कैसी है, एल्जेब्रिक टर्म्स है बट नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। x⁻⁷ - 10x⁸, इसमें ये पॉजिटिव है लेकिन ये वाली पावर नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। क्या है ये दोनों, एल्जेब्रिक टर्म्स है, ये दोनों क्या है, ये भी एल्जेब्रिक टर्म है, ये भी एल्जेब्रिक टर्म है। तो ध्यान रहे नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन में कभी भी पावर हो तो एल्जेब्रिक टर्म बना रहेगा बट वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। अब यहां तक अपन ने देखा, तो अब पॉलिनोमियल के अंदर भी कुछ इसके टाइप्स होते हैं, जैसे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल,
टाइप्स में आप बता सकते हो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, टू वेरिएबल थ्री एंड मोर, कितने भी मोर वेरिएबल। अब जैसे इसके एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं, वन वेरिएबल जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सेवन। यस, इन पूरे पॉलिनोमियल में यहां पे भी एक्स प्रकार की एक्स और एक्स, और ये सेवन है, ये भी एक्स टू द पावर जीरो का टर्म्स है। दैट मीन्स इस पूरी टर्म्स के अंदर, इस पूरे जो एल्जेब्रिक सिस्टम जो दिया हुआ है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर एक ही प्रकार की वेरिएबल यूज हो रही है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, वन वेरिएबल। टू वेरिएबल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जैसे सेवन आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, ये दो प्रकार की वेरिएबल हो गई आपके पास में, तो ये टू वेरिएबल में काउंट होगा। थ्री वेरिएबल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस माइनस कोई भी साइन हो उससे कोई फर्क नहीं गिरता है आपके अंदर, इसके अंदर तीन प्रकार की वेरिएबल है। मोर वेरिएबल कितनी भी हो सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन स्क्वायर तक कितनी भी वेरिएबल हो सकती है, तो ये मोर वेरिएबल में काउंट होता है। तो अब ये डिफर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि वन वेरिएबल कौन से है, टू वेरिएबल कौन से हैं, थ्री वेरिएबल एंड मोर वेरिएबल फोर फाइव सिक्स सेवन कितने भी हो सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद में, आपको जब ये पता चल गया कि इसमें कितने भी वेरिएबल के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो उसके बाद में आपके पास में आपको पढ़ना चाहिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, और इसका प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। यहां पे लिख देते हैं हेडिंग, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल x वेरिएबल से बना हुआ है तो उसको, जैसे यहां पे मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यस, जैसे यहां पे लिखा एक्स क्यूब प्लस टेन। अब इसमें वेरिएबल कौन सी, x काम में आ रही है, तो आप इसको सुविधा के लिए इस तरह से बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, वाई आ रहा है जैसे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, तो इसको आप पी ऑफ वाई भी कह सकते हैं। अगर टी वेरिएबल काम में आ रही है तो आप इसको पॉलिनोमियल ऑफ टी भी कह सकते हैं, पी एक्स पी वाई पी टी जी एक्स एच एक्स कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी इच्छा से दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म है, ये आपकी वेरिएबल को बताती है कि आपके यहां पे वेरिएबल कौन सी यूज हुई है। जो वेरिएबल से बना हुआ है उस वेरिएबल का नाम यहां पे आता है। तो ये तो इसका प्रेजेंटेशन हो गया, अब इसकी डिग्री क्या होती है, तो डिग्री के लिए आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा यहां पे सेवन एक्स माइनस टेन, ये आपका एक पॉलिनोमियल है।
तो अब इसकी डिग्री आप लिखोगे, एक्स की पावर देखनी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब वन है, तो इसकी डिग्री वन हो जाएगी। और देखते हैं इसके एग्जांपल डिग्री के। देखो आप बताना, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल 2x³ + 7x² - 100, तो इसके अंदर डिग्री कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पावर देखनी है पूरे टर्म में, तो यहां पे 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। 5x⁻¹⁹ - x⁻¹⁹ + 4, तो इसके अंदर आपको हाईएस्ट पावर यहां पे 99 है, यहां पे 100 है, तो यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री के एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। x²-2x+10, तो इसके अंदर डिग्री कितने लिखोगे? 2। और अकेला कांस्टेंट आ गया, जैसे 5 लिखा हुआ है, इस 5 की डिग्री लिखनी है, तो इसकी डिग्री कैसे बतानी है आपको? देखो 5 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था 5×x⁻¹⁰, तो x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 0, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। दैट मीन्स जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो 0 डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं। अब आपको देखो अभी तक जो मैंने बताया उसके अंदर क्या क्या था, मेन उसका एक कंक्लूजन रहेगा। मैथ्स को पढ़ने के लिए क्वांटिटी के 2 पार्टीशन कर दो, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अगर आप 9th-10th में हो तो खाली इतना ही ध्यान रखो, वेरिएबल और कांस्टेंट, फिर उनके अलग अलग डिपेंडेंट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 11th-12th में पढ़ रहे हो तो वेरिएबल के पार्ट और कांस्टेंट के पार्ट दोनों को ध्यान में रखना चाहिए आपको। उसके बाद में अपने देखा एलजेब्रिक टर्म क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, एलजेब्रिक टर्म और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, अब पॉलिनोमियल का प्रेजेंटेशन कैसे और उसकी डिग्री कितनी होती है। उसके बाद में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने चाहिए जिनकी आपको, जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक तो नेगेटिव पावर वाले और एक अंडर रूट में हो। तो जैसे कुछ एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, यहां पे इक्वेशन बना देते हैं अपन, छोटा सा इक्वेशन विच आर पॉलिनोमियल। आपको ये पता करना है, जैसे मैंने यहां पे कुछ टर्म्स लिख रहा हूं 5x²³³m×x⁻¹⁹ - n(x+q), इसी तरह से 5×x³+7 √5x²-2 और 5×√x+7 और एक लास्ट लिख देते हैं 3√x+7। अब देखो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। तो देखो फर्स्ट टर्म है, यहां पे आप इसके सॉल्यूशन ले सकते हो, ए के अंदर देखो यहां पे एक्स के ऊपर पॉजिटिव पावर है, तो जो ए के अंदर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 5x², ये किसमें जाएगा? पॉलिनोमियल है। बी 3x²+2, इसको भी देखिए ध्यान से, x पे पॉजिटिव पावर है तो ये भी क्या है? आपके पॉलिनोमियल है। सी था m×⁻¹⁹ - nx+q, इसमें भी x पे पॉजिटिव पावर है, यहां पे भी x पे 1 पावर है, कुछ भी नहीं है तो 1 पावर मानेंगे, दैट मीन्स ये भी क्या है?
दोनों जगह पे आपके पॉजिटिव पावर है तो ये भी पॉलिनोमियल है। डी के अंदर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में जब जाएगा x टू द पावर 3 तो ये माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है नेगेटिव पावर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। किस रीजन से नहीं है? नेगेटिव पावर होने से नहीं है। और देखते हैं इसके अंदर d के बाद में e रूट ऑफ 5x² - 2, यहाँ पे x पे पावर देखनी है, इसका कोफिशियंट कुछ भी हो दैट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है। और लास्ट वाला f में है 5√x + 7, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीजन क्या है? आपको 5 और 7 से कुछ भी नहीं देखना है। मैंने आपको बताया था रूट एक्स, रूट कितनी पावर को बताता है? 1/2 पावर को बताता है, दैट मीन्स ये क्या है, इसके पावर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है, इस रीजन से ये पॉलिनोमियल नहीं है। और उसके बाद एफ के बाद में जो जी में एग्जांपल था आपका थ्री यहां पे लिखे हुए है और प्लस 7, ये क्यूब रूट का साइन है, ये किसका है? क्यूब रूट का साइन है, क्यूब रूट दैट मीन्स एक्स टू द पावर 1/3 की टर्म है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल में नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल्स की एक शीट दी जाएगी जिसको आपको सॉल्व करना है और उसमें ये बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल है और उसका रीजन भी लिखना है कि है तो किस रीजन से है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब आपको नेक्स्ट इसमें यह ध्यान रखना है, कुछ चीजें इनके पर्टिकुलर नेम होते हैं तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म अकॉर्डिंग इसके क्या नेम होते हैं। तो जो वन टर्म जिसमें होगी ओनली ऐसा पॉलिनोमियल जो सिंगल टर्म है जिसमें एक ही टर्म है, पहले तो एक ही टर्म का अर्थ समझ लो। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 5x⁻⁷, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है। और लिख दिया मैंने जैसे x³³, इसी तरह से आपने कुछ भी और लिख दिया जैसे ये x⁻⁷ लिख दिया, जो हाइएस्ट पावर है वो कितनी भी हो सकती है। तो इनमें नंबर ऑफ टर्म सिंगल है तीनों में, इसके पास में कोई भी टर्म प्लस या माइनस से जब कोई वैल्यू होती है तो वो उसकी टर्म वैल्यू को बताती है। तो ये सिंगल टर्म है तो एक ही टर्म होती है, तो इनके लिए एक फिक्स नेम है आपको याद रखना है, मोनोमियल, दीज आर मोनोमियल्स। अब इसी तरह से अगर दो टर्म होती इसके अंदर, टू टर्म्स पॉलिनोमियल कैसे लिखे जाएंगे? जैसे आपने लिखा यहाँ पे px = 2x⁻⁷-10, यहाँ पे और कुछ लिख दिया 100x + 7, इसमें दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये इसकी फर्स्ट टर्म, ये इसकी सेकंड टर्म। जो जिनमें दो टर्म होती है देज आर बाइनोमियल, इनको बाइनोमियल कहा जाता है। इसी तरह से अगर थ्री टर्म होंगे तो इनके लिए जो पर्टिकुलर कुछ नेम है ट्राइनोमियल। फिर इसके नेक्स्ट फोर टर्म भी हो सकते हैं, फाइव टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म और एंथ टर्म भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। तो ये तीनों जो नेम है पर्टिकुलर सिंगल टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग आपको इसके नाम याद करने हैं। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन शीट दी जाएगी और एग्जांपल मैंने कुछ बता दिए हैं। जब थ्री टर्म्स होगी तो उसके अंदर आपके पास आप काउंट करके लिख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं px = 5x² - 7x + 10। तो इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1, 2 और 3, थ्री टर्म्स है, दैट मीन्स ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब इससे पहले आपको बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी कुछ नेम इनके फिक्स किए हुए हैं, उनको आपको लर्न रखना है और उनको क्लासिफाई करना आना चाहिए।
यस। तो अब जैसे नेम अकॉर्डिंग टू डिग्री, नेम अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग क्या नेम है? अगर इसकी डिग्री वन है, आपको यहां पे मैं लिख देता हूं कि किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो वन है, वन डिग्री, दैट मीन्स उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर वन है। टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 7, एक पॉलिनोमियल लिखा। तो अब इसका नेम क्या होगा? तो जिसमें भी वन पावर होती है, दैट मीन्स वो फर्स्ट डिग्री का जो पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर नेम होता है लीनियर। इसके लिए क्या वर्ड आपको याद रखना है? लीनियर। इसका नाम लीनियर ही क्यों है, तो ये भी ध्यान रखना जब भी आपको इसके और आगे चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो अगर इसका ग्राफिकल बनाया जाए, आप जैसे ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते हो प्रीवियस क्लासेज में, तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा, जितने भी वन पावर वाले आप जो पॉलिनोमियल लोगे उनका ग्राफ बनाओगे, तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। तो इस रीजन से इनका जो नेम होता है लीनियर पॉलिनोमियल इनको कहते हैं। अब आप आते हैं, अगर डिग्री आपके पास में टू, मतलब सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे आपने लिखा ये पी एक्स इज इक्वल टू 5x² - 7x और प्लस यहाँ पे कुछ कर दिया, कांस्टेंट भी ले सकते हैं। तो जब इसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, दैट मीन्स डिग्री 2 है, तो इसका जो प्रॉपर नेम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद अगर आपके पास में इसकी डिग्री अगर 3 है, 5x³ - 2x² + 8, जैसे इसकी डिग्री कितनी, यहां पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, तो उस समय इसके लिए प्रॉपर जो नेम है वो आपको याद रखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद में एक लास्ट आपको ध्यान रखना है, अगर 4 पावर है तो उस समय आप इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब इसके आगे ऐसा नहीं है कि 4 के आगे नहीं होती है, 4 के बाद 5th ऑर्डर, 6th ऑर्डर, 7th ऑर्डर और nth ऑर्डर कितनी भी पावर हो सकती है हाईएस्ट, उसके अकॉर्डिंग उसके नेम होते हैं। बट पर्टिकुलर नेम आपको 1, 2, 3 और 4 डिग्री के लिए आपको याद होने चाहिए। तो देखो आज का वीडियो यहां तक अपन इस लेसन का जो पार्ट पढ़ा है, इसके पहले आपको क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद में इसके नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।